हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द करियर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन जो जीके के आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो जीके के 50 क्वेश्चन आपको डेली एक मॉक टेस्ट के रूप में मिलेगा। आप लोग साथ साथ में आंसर देते जाइएगा, आपकी तैयारी का भी इससे पता चलता जाएगा। तो देख लीजिए, ये पहला प्रश्न हमारा है, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग इसमें उत्तर दीजिएगा। जो लोग इंग्लिश के छात्र हैं उनके उनके लिए मैं इंग्लिश के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड एज बिहार रिकॉग्निशन एक्ट 2000। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा वो आप लोग बताइए इसमें। तो आप लोगों ने बता दिया है आंसर। जो लोग आंसर जो है इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं, झारखंड बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। झारखंड इसका उत्तर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया। तो अनुसूची आपको बतानी है इसमें। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, 10th शेड्यूल, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 10वीं अनुसूची में ये दिया गया था उत्तर। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10वीं अनुसूची में है, और ये पास किया गया था कब, ये 1985 में पास किया गया था, 10वीं अनुसूची में शामिल था ये एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून इसमें पास किया गया था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इसका इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरियाज एज वेल एज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट से अदर देन असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो आपको इसका उत्तर बताना है, सही उत्तर कौन सा है, आप लोग क्या उत्तर बता रहे हैं। तो देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और 5वीं शेड्यूल जो है, 5th शेड्यूल जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन की, वो डील करती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, भाग 8 किससे संबंधित है। तो यह है पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किससे डील करता है, पार्ट ए, संविधान का पार्ट 8 डील करता है केंद्र शासित प्रदेशों से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर दोस्तों आ जाते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, तो देखिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन या नॉमिनेशन कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन या नॉमिनेशन। तो इसका जो सही उत्तर है यह है डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, ये ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष आप सबको मालूम है कि मीरा कुमार है। और अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में नहीं दिया गया है, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, इनमें से चुनाव में कौन सा नहीं दिया गया है। तो चुनाव में योजना आयोग नहीं दिया गया है संविधान में, इसका वर्णन संविधान में नहीं है, पार्लियामेंट में इसका वर्णन नहीं है। योजना आयोग को जिसको आजकल भी बोलते हैं नीति आयोग, योजना आयोग का नाम क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, लेकिन योजना आयोग जो होता है ये संविधान में नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद नंबर कौन सा होता है, इसमें आपका सही उत्तर बताइए। जो लोग बता रहे हैं कि अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, आर्टिकल 21 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दिल्ली पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर
बस आपका राज्यसभा, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं अधिकतर, अधिकतम तो ये हो जाते हैं राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा में अन्न भंडार किसने किससे बनाया जाता था? अनाज रखने का जो अन्न भंडार बनाते थे, मतलब कि जो ग्रेनरी ग्रेनरी होती थी हड़प्पा में, वो किससे होती थी? क्या केवल ईंट की होती थी, या ब्रिक्स और टिम्बर्स की होती थी, केवल ब्रिक्स की होती थी, ईंट और पत्थर की होती थी, ब्रिक्स एंड स्टोन की होती थी, तो किसकी होती थी? जो लोग ऑप्शन इसका ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, केवल ईंट की होती थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन आप लोग भी देख लीजिए, इंग्लिश के छात्र जो है वो भी देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी टाउन प्लानिंग। ये इसका आंसर सही है, जो लोग सी बता रहे हो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल उदय करियर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको डेली इस तरह के मॉक टेस्ट मिलेंगे, पूरे पूरे 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्या था? तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से आप बताइए देख के सही उत्तर क्या है, और इंग्लिश में पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज? कांग्रेस के पहले, मतलब कांग्रेस बाद में बनी ना, कांग्रेस के पहले कौन सा जो है महत्वपूर्ण संगठन था इंडिया का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन कौन था? तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और 1876 में बना था। ये एसोसिएशन जो है किससे अटैच था? एजुकेटेड इंडियंस इससे जो है जुड़े हुए थे, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे लोग इससे जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों का संगठन था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस शहर में था? दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किस शहर में स्थापित किया गया था? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी 1866? सही उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा उत्तर सही होगा? जी हाँ, लंदन। आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, लंदन जिसने बताया बिल्कुल सही बताया है, बी ऑप्शन सही है। और अगले प्रश्न पे आते हैं, वेद के भजनों से संबंधित अनुष्ठान उपदेश को रूप में जाना जाता है? देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, किस रूप में जाना जाता है इसको इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, द रिचुअलिस्टिक परसेप्ट पर्टेनिंग टू द हाइम्स ऑफ वेदास आर नोन एज। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोग जल्दी से फटाफट गेस कीजिए। ये ब्राह्मण जो है आंसर सी बताने वाले लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, यह देवता जिसकी ऋग्वैदिक काल में पूजा नहीं होती थी, ऋग्वैदिक काल में किस देवता की पूजा नहीं होती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द गॉड हुज वर्शिप हैड नॉट गेन्ड ग्राउंड इन द ऋग्वैदिक पीरियड वाज कौन है? लॉर्ड शिवा। शिव भगवान की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी, मारुत की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन शिव भगवान की पूजा नहीं होती थी ऋग्वैदिक काल में। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, सिंधु घाटी के लोग और वैदिक आर्यों दोनों के बीच में निम्नलिखित में से क्या समानता थी? सिंधु घाटी के लोग भी थे और वैदिक आर्यों, मतलब वैदिक आर्य आए थे, सिंधु घाटी के लोग थे, तो उन दोनों में जो एक कॉमन चीज थी वो क्या थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मतलब कॉमन नहीं थी, देखिए नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको क्वेश्चन में, सबसे पहले नहीं खोजना, अगर नहीं दिया है तो उसको देख के करना है। तो जो कॉमन नहीं थी वो थी माँ देवी की पूजा, माँ देवी की, मातृ देवी की पूजा जो होती थी सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्यों में कॉमन नहीं थी, दोनों लोग इसको नहीं करते थे। और इसमें जो है दिया गया है कि आप मतलब क्या चीज़ कॉमन नहीं थी ये पूछा गया है ना, तो ये इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, माँ देवी की पूजा दोनों लोग नहीं करते थे, ये कॉमन नहीं हुआ करते थे दोनों लोगों के बीच में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल बनाना चाहता था? सेफ्टी वॉल मतलब कि
कैसा है इसके माध्यम से निकल जाए। तो कौन बनाना चाहता था, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वाल्व, एज ए सेफ्टी वाल्व की तरह कौन यूज करना चाहता था। तो ये थे ए ओ ह्यूम, इन्होंने इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की थी कि जो राष्ट्रवादियों का गुस्सा है इसके रास्ते से निकल जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए क्या कहता है इसमें, किस अधिनियम के अनुसार क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। भारत की महारानी क्वीन विक्टोरिया किस अधिनियम के अनुसार बन गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1876, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वीन विक्टोरिया बीकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1876। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की बेटी थी। बेटी थी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कौन नहीं थी वाला शब्द नहीं है यहाँ पे, कौन इसमें बेटी थी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। सम्राट औरंगजेब की बेटी कौन थी, तो सही उत्तर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं जेब उन निसा, तो ये बिल्कुल सही आंसर इनका है। और अगले प्रश्न पे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, तो इसका सही उत्तर बताइए फटाफट बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है टेस्ला। टेस्ला जो होती थी चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई होती है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय विज्ञान की स्थापना और नाम किसके द्वारा दिया गया। विद्युत चुंबकीय विज्ञान की स्थापना और नाम किसके द्वारा दिया गया, मतलब हु फाउंडेड द नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम किसने दिया, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से गेस कीजिए फटाफट। इसका सही उत्तर है आंद्रे मैरी एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर इसका सही उत्तर है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। गैल्वेनी करंट की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है। व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या हो जाता है, लोहे के ऊपर क्या जमा होता है। तो इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक। जिंक जमा होता है, ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियात्मक होती है। सबसे अधिक अभिक्रियात्मक कौन सी धातु होती है, मतलब कि इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है इसमें, तो जल्दी से बताइए फटाफट मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर कैल्शियम। कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए हम लोग लगभग आधे क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें मिलाकर ही आपको करवाई जा रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट है आपके लिए। इसकी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो आपके जितने दिन भी बचे हुए हैं तैयारी में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। रिकेटस की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। रिकेटस किस विटामिन की कमी से होती है। रिकेटस इज ए डिजीज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकेटस किससे होता है, बताइए, विटामिन डी से रिकेटस होता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ने ऊष्मा गतिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और यह माना कि तापमान का परम शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम थॉमसन जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी किससे होती है, रतौंधी किसकी कमी से होती है, रतौंधी जी हाँ रतौंधी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो विटामिन ए अगर नहीं होगा आपके शरीर में तो आपको रतौंधी हो सकती है। रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पे द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देने को रतौंधी बोलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा।
के अनुसार दबाव उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। किसके अनुसार, कौन सा रूल लगेगा इसमें? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बताना है। सही उत्तर है पास्कल का नियम, ऑप्शन ए बताने वाले बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। और इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, 28वां प्रश्न है हमारा। चेचक के लिए पहली वैक्सीन की खोज किसने की थी? चेचक के लिए पहली वैक्सीन की खोज किसने थी? हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट वैक्सीन किसने खोजा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये हमारा 29वां प्रश्न है। हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या होती है? हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा बताइए। इसमें देखिए क्या दिया गया ऑप्शन में। हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा होती है कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधियां की स्थित होती है, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन स्टेट ऑफ रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर सीजन एमंग सम एनिमल्स, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर महसूस किया जाता है? हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर महसूस किया जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है गेहूं पे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं फटाफट। एक नदी की युवावस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की युवावस्था यानी कि नदी की युवावस्था क्या बोलते हैं? व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर, इसको बोलते हैं घाटी का गहरा होना। जो नदी की बैली होती है युवावस्था जो होती है, तो घाटी जो है वो गहरी होती है जब चरम पे होती है अपने। और इसके बाद आ जाते हैं वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणाली के बीच एक जल का विभाजन है। गंगा और सिंधु नदी की जो प्रणाली है उसके बीच में जल का विभाजन जो करता है वो क्या कहलाता है? तो क्या है सही जवाब इसका? इसका सही जवाब है अम्बाला। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। द रीजन व्हिच इज, ये तो हो गया अम्बाला, हो गया इंग्लिश में ये। अगले प्रश्न पे आते हैं, सूर्य की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य की बाहरी परत, सूर्य की बाहरी परत, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोना। कोरोना अभी इस वक्त बीमारी के नाम पे फेमस है, लेकिन सूर्य की बाहरी परत को भी कोरोना बोलते हैं। तो यह प्रश्न आपको भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना बहुत ही डेंजरस बीमारी है इस समय और सूर्य की बाहरी परत है। रिंग ऑफ फायर आमतौर पर किस में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर किस में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर जल्दी बोलिए फटाफट। प्रशांत महासागर ऑप्शन ए जिनका आंसर है वो सही है बिल्कुल। अगले प्रश्न पे आते हैं। चट्टानी रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार बहने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? एक दिशा में लगातार बहने वाली हवाएं क्या बहाती हैं? बताइए इसका उत्तर, बताइए जल्दी से। यडार्ग, यडार्ग बनाती हैं, ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न थोड़ा सा टफ है। विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गोथर्ड बेस टनल किस देश में स्थित है? गोथर्ड बेस टनल किस देश में स्थित है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल गोथर्ड बेस टनल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? स्विट्जरलैंड में है, सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। और अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सूचना के रूप में दूरस्थ संवेदी डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामान्य रूपों में किया जाता है, क्या किया जाता है? इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा एज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है ये बताइए? सही उत्तर बताइए जल्दी से फटाफट बताइए। इसका उत्तर सही है थ्रीमेंटिक मैप। अगले प्रश्न पे आते हैं। संगमरमर का एक कायंत्रित चट्टान है, संगमरमर किसका कायंत्रित चट्टान है? इंग्लिश में देख लेते हैं। मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ, किसका मेटामॉर्फिक रॉक है? मार्बल, मार्बल जो है लाइम स्टोन का मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ लाइम स्टोन, उत्तर आप लोग देख लीजिए हिंदी में ग्रेनाइट का सही उत्तर, सॉरी ग्रेनाइट बोल दिया मैंने, ये चूना पत्थर का सही उत्तर है इसका। और अगले प्रश्न पे आते हैं। चंबल नदी के किनारे कौन
सा शहर स्थित है? चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर चंबल? तो कोटा नदी जो है यहाँ पे स्थापित है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 40वां प्रश्न है, इसके बाद 10 प्रश्न और बचेंगे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? करंट के क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो करंट भी आपको पढ़ना ही है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली श्रीलंका के? तो इसका सही उत्तर है महिंद्रा राजपक्षे। आगे चलते हैं। मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल का नाम बताएं। मानव हाथी टकराव पर, जिसे वास्तविक समय की जानकारी के संग्रह और वास्तविक समय के आधार पर टकराव के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सुरक्षा। और सुरक्षा के बाद अभी ये अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, प्रश्न नंबर 42। उस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया। वह 2002 में वियतनाम में एलजी कप में भारत के लिए खेले थे। हॉकी फुटबॉलर का नाम बताना, फुटबॉलर इसमें से कौन है, तो इसका सही उत्तर बताइए जो फुटबॉल खेलते हो। लाइस राम मिनितोम्बी सिंह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल पूरा किया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, सही उत्तर। अगले प्रश्न में आगे हम देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स बनना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया या फिर दिल्ली में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया तो उज्जैन या कोलकाता, उज्जैन या फिर इंदौर हो जाएगा या फिर कोलकाता, सही उत्तर है नई दिल्ली में किया गया। ये वेबिनार है, वेबिनार कहीं से भी किया जा सकता है, आपको मालूम है वेबिनार कहीं से भी किया जा सकता है, इसलिए मध्य प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी की स्थापना करने के लिए, यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट के नाम दिए गए हैं, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विशाखापट्टनम में किया है, विशाखापट्टनम में किया है तो केवल आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के पास ही विशाखापट्टनम तो है, और इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई सही उत्तर होगा, गुजरात तो होगा नहीं, केरल तो होगा नहीं, तो आंध्र प्रदेश का सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। रेड बुल रेसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आयोजित 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती। रेड बुल रेसर कौन है भाई, रेड बुल रेसर, तो इसका है मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद औलत बिलाल, मोहम्मद औलत बिलाल। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 48। उस देश का नाम बताइए जो इस्तेमाल के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला देश कौन बना है वैक्सीन बनाने में, रूस। टीकाकरण इसका शुरू हो गया है, रूस के राष्ट्रपति की बेटी को टीका लगाया जा चुका है पहला टीका। आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पेरू का नया प्रधानमंत्री बना है। ये सारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, करंट क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन है ये। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राइम मिनिस्टर बना है पेरू का, पेरू का प्रधानमंत्री कौन बना है, पेरू का प्रधानमंत्री बना है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है इसमें, तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेरू के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। तो दोस्तों ये हो गया आज का मॉक टेस्ट, आज केवल 49 प्रश्न थे, आज एक प्रश्न छूट गया टाइप करने में, तो कल से ये पूरे पूरे 50 प्रश्न रहेंगे आपके। और अभी आपने जीके का मॉक टेस्ट देख लिया, प्रैक्टिस सेट देख लिया, इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। बताइए इसमें आपके कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर आपके 10 भी सही हुए ना, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आज पहला दिन है, आज 10 है तो कल 12 होंगे, परसों 15 होंगे, फिर 20 होगा, 25 होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी। आप बिल्कुल सही सही अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। इसका टाइम मैं फिक्स कर देता हूँ, देखिए 9:30 पे डेली ये वीडियो आपको मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 9:30 सुबह, और एक शाम को वीडियो मिलेगा उसका टाइम मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, 6 या 7 बजे मिलेगा आपको, जिसमें कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर वाले वीडियो के साथ, मॉक टेस्ट के साथ। आप सभी लोग जुड़ जाइएगा समय पर, मैं उसका मैसेज आपको दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।